सारी बातों का निचोड़ एंड में आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड कैसे आता है। आपके अंदर जो एनर्जी आई होती है वो आपकी खुद की मोटिवेशन से आई होती है। कोई आपके लिए पॉजिटिव बात भी कर रहा है ना, तो आप कहेंगे नहीं ये कर ही नहीं सकता, इसके पीछे ना इसका कोई प्लान है। अपने आप से इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते ना कि मुझे तो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देती। क्या एलिगेंट पर्सनालिटी होती है, हमेशा उससे वही सिग्नेचर लुक को कैरी किया होता है। आज मैं स्टाइलिश बनकर चली जाऊं, कल मैं मॉडर्न बनकर चली जाऊं, फिर मैं सिंपल क्लासिक बनकर चली जाऊं, नहीं, सबने सिंपल एंड क्लासिक लुक रखी है। टॉपिक जो है आज का, जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बताया था, वो है अटायर एंड एटीट्यूड। सारी बातों का निचोड़ एंड में आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड कैसे आता है। बहुत सारी चीजों से आपके अंदर एटीट्यूड आता है, लेकिन एक चीज है, आपने उसको बिल्ड कैसे करना है। ठीक है, तो हमने खुद उसको कैसे बिल्ड करना है, अटायर से एटीट्यूड को कैसे लेके आना है, इसके ऊपर बात करेंगे। एटीट्यूड तो जो है वो नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन आपके अंदर समटाइम्स इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए कि लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर दें। आपने अभी तक हमारी जितनी भी देखी है प्रेजेंटेशंस, उसमें हम लोग आप लोगों को सीरियस पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है, तीसरा सेशन है हमारा। तो जनाब पहले तो एटीट्यूड देख लेते हैं, और मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के ख्याल में एटीट्यूड क्या है। मुझे कौन डिफाइन करना चाहेगा कि एटीट्यूड क्या है आपके ख्याल में? कोई बच्चा मुझे बताए, कौन बताना चाहेगा, या मैं खुद ही सेलेक्ट कर लूं? आप बताएं बेटे। वेरी ट्रू, अ फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग, स्पेशली व्हेन दिस इज शोज इन समवन्स बिहेवियर। एक इसकी डेफिनेशन ये, और इसको सेकंड नंबर पे मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि हम किसी के एटीट्यूड का अंदाजा कैसे लगाते हैं, उसके बिहेवियर को एवेल्युएट करके। ऐसे ही है, हमें कैसे पता चल जाता है कि किसी के अंदर क्या एटीट्यूड है, उसके बिहेवियर को हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं। पूरी प्रेजेंटेशन में कहानी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, दो लोगों की, देखने वाले की, दिखाने वाले की। समझ में आ रही है? देखने वाले भी हम हैं, दिखाने वाले भी हम हैं, और हमने इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है। आप किसी के बारे में क्या ओपिनियन ले रहे हैं, किसी के बिहेवियर से, और कोई आपके बिहेवियर से क्या ओपिनियन ले रहा है, राइट? तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हाउ डज सोसाइटी इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इसके अंदर हम इन दो चीजों पर बात करेंगे। हाउ डज सराउंडिंग्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। रमजान है, टेलीविजन आजकल अगर आप गाहे बगाहे ऑन करते हैं ना, तो आपको बड़े दाना लोग जो है वो सुनने को मिलते हैं। उनकी डेफिनेशंस, उनकी बातें सुनकर आपको बड़ा कुछ आइडिया हो जाता है। कल ऐसे ही मैं एक रेडियो पे सुन रही थी ड्राइव करते हुए, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और वो कहते ना आमद होना शुरू हो जाती, तो मैंने सोचा कि प्रेजेंटेशन तो मैं बना चुकी हूं, लेकिन उसके बीच में ये चीजें बड़े अच्छे से पुट होती हैं। आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आपके ऊपर कैसे को असर अंदाज होता है, ये है सारी कहानी। आपका जो बिहेवियर बिल्ड होता है ना, वो उस माहौल से होता है। मानते हैं आप सब लोग? कैसे होता है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सोसाइटी आपके बिहेवियर के ऊपर कैसे अफेक्ट करती है, एनालिसिस का लेवल तो बाद में आता है ना, पहले तो वो चीज आपके ऊपर कैसे हावी हो रही है और आपका रवैया उसके बरक्स कैसे हो रहा है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। ह्यूमन बिहेवियर कितने किस्म के हैं? चार किस्म के हैं। अगर मैंने आपको आपके बिहेवियर को एवेल्युएट करना है, तो उसमें मुझे चार चीजें हैं जो देखने में और महसूस करने में आएंगी। मैं फील करूंगी, मैं देखूंगी, देन मैं आपको जज करूंगी, और मैं एक बात तक पहुंचूंगी, एक नतीजे तक पहुंचूंगी। कैसे? चार बिहेवियर्स हैं ह्यूमन बिहेवियर्स। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, सेकंड हो सकता है। इनकी डिटेल्स में जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? जब आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो आप बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है, एनर्जी ज्यादा होती है आपके अंदर, और आपसे दूसरे इंस्पायर हो रहे होते हैं, ऐसे ही इंप्रेस हो रहे होते हैं आपसे। ये क्या है? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आपका बिहेवियर है जो आप बहुत पॉजिटिव दे रहे होते हैं। तो ये है आपकी वो चीज जो आशो करती है देखने वाले को
कि आप तो बहुत एनर्जी रखते हैं अपने अंदर और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड पाया जाता है। आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर रहे होते हैं। आपके अंदर जो एनर्जी आई होती है वो आपकी खुद की मोटिवेशन से आई होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक चीज होती है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जब आप अपने आप से बातें करते हैं और आप अपने बारे में सोचते हैं, हम सबके साथ ये होता है, बड़ी नेचुरल फीलिंग है जिसकी मैं बात कर रही हूं। हेल्प करता है अचीव करने में आपके गोल्स, जो आप सोचते हैं कि मेरा एम्बिशन है, मैंने पूरा करना है। ये तमाम तर खसूसियात जिन लोगों में पाई जाती हैं, इसका मतलब है कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। ये उनके बिहेवियर में ये चीजें पाई जाती हैं। आप अपने गोल्स को तो अचीव करते हैं, लेकिन आप दूसरों की भी मदद कर रहे होते हैं ना, जिस वक्त हेल्प करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ये तरीका किसी को सिखा दिया, ये इल्म किसी को दे दिया, तो मेरा इल्म तो कम हो जाएगा। तो क्या है ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अगर आपने सीखा, आप सिखाते हैं, तो वो बिहेवियर एक बहुत पॉजिटिव चीज के जुमरे में आता है। मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों को इज्जत देते हैं और दूसरों से इज्जत लेते हैं। आपने कभी बड़ों की ये बात सुनी है? छोटे भी आपको बड़ी दाना बातें समटाइम्स कह जाते हैं कि इज्जत वही किसी की करता है जिसके खुद के पास बहुत इज्जत होती है, जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है, वो दूसरे को रिस्पेक्ट देता है ना। आपने देखे कुछ लोगों के अंदर बहुत झुकाव होता है। बचपन में मेरे वालिद एक बात कहा करते थे कि फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। कभी जिंदगी में ये बात समझ में ही नहीं आती थी, ऊपर से गुजर जाती थी कि ये क्या मतलब है कि फल हमेशा झुके हुए दरख्त को लगता है। समझ में आ रही है? अच्छा, मैं अपने वालिद के साथ इस बात पे बहुत ज्यादा बहस करती थी कि नहीं अबू, जब फल लगता है तो दरख्त झुकता है, अल्लाह ब्लेस करता है तो फिर आपके अंदर वो चीज आती है, आप मोटिवेट होते हैं, आप अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं जब अल्लाह आपको ब्लेस करता है। मेरे वालिद कहते थे नहीं, एक वक्त आएगा जब तुम इन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे, तुम खुद समझ जाओगे। मुझे वो बातें समझ में आना शुरू हुई है। ना तो मेरा इल्म कभी बांटने से कम हुआ है और ना ही मैंने कभी अपने अंदर ऐसे ग्रजेस रखे हैं कि मैं कहूं कि ये मैंने सीखा, मैं क्यों सिखाऊं। समझ में आ रही है? तो समहाउ ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, बिल्कुल ऑपोजिट है पॉजिटिव एटीट्यूड से। ऐसे ही है? कैसे है? जो चीज आपको बहुत हार्श और सख्त बना दे, आपके अंदर लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत ना रहे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए, आपको लगे मेरी तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपको महसूस हो हर वक्त के आप बीमार हैं, आप हेल्पलेस फील करें, आपको लगे मुझे तो कभी किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, मैं तो जो किया खुद किया, मुझे किसी ने मदद नहीं की, कोई मेरी मदद नहीं करता। नेगेटिविटी 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 आ रही है जा रही है, जो आ रहा है वो दे रहे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या था? जो पॉजिटिविटी ली है वो दे रहे हो। नेगेटिव में क्या है? जो ले रहे हो वो दे रहे हो। इसमें कसूर किसका है? सच्ची बात बताऊं, हमारा खुद का है। हमें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर रही, हमें नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है। आपने देखा है एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में हर लड़की का एक अपना फ्रेंड्स ग्रुप होता है, और उन ग्रुप्स की शान ये है कि कुछ ग्रुप्स आपको लगते हैं कि जी ये तो रूलर्स हैं, ये तो नेगेटिविटी में चला जाता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स के जो मशहूर हो जाते हैं, यार ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बड़ी सपोर्टिव हैं, बड़ी हेल्प करती हैं। ये चीज पॉजिटिविटी में आ जाती है। नेगेटिविटी में इसी तरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लमैटिक ग्रुप्स आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप लोगों के लिए हार्श अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हैं नेगेटिव एटीट्यूड। इसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? हो सकता है मैं उस दौर से निकल आई हूं, मुझे नहीं पता, आप लोग उस दौर में हैं। क्या है आपको नेगेटिव एटीट्यूड किस चीज से तयन कर लेते हैं कि इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव है? कोई बताए मुझे, कौन बच्चा बताएगा? आप तो अभी उस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये आपके लिए बड़ा फ्रेश टाइम है। क्या ख्याल है, नेगेटिविटी कहां से ज्यादा आती है और किस रवैये से ज्यादा आती है? जो लोग नेगेटिव होते हैं वो क्या चीज आपके साथ बहुत ज्यादा शेयर कर रहे होते? प्लीज, जालसी, लेग पुलिंग, राइट, बिल्कुल, सॉरी, सुन लें,
ठीक है, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव शो कर रहे होते हैं अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को, और आप हर बात में हाइपर हो रहे होते हैं, ये सारी चीजें आपकी नेगेटिव एटीट्यूड में आ जाती हैं। जनाब लो कॉन्फिडेंस लेवल, इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे सवालात के जवाब भी देंगे, हाथ भी खड़ा करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बात को सुनेंगे नहीं, वो अपने उस्ताद को जज करेंगे, उसकी गलतियां निकालेंगे, उसके ऊपर हंसेंगे, और वो थ्रू आउट द लेक्चर अपने टीचर के साथ वो इंटरेक्टिव लेवल मेंटेन नहीं कर सकेंगे जो करना चाहिए, राइट? ये सारा आपका आ जाता है एक नेगेटिव एटीट्यूड। न्यूट्रल एटीट्यूड क्या है? गो विद द फ्लो, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, ऐसे ही है। अच्छा, इतने सारे बच्चे जो यहां पे स्माइल दे रहे हैं ना, ये सारे न्यूट्रल एटीट्यूड से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे ही है। गो विद द फ्लो, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी ने मदद मांग ली मांग ली, नहीं मांगी तो उसके लिए कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करनी, ये भी बाय द वे पॉजिटिव एटीट्यूड के करीब करीब है, ऐसे ही है। इसके बाद देखें जो बहुत डेंजरस एटीट्यूड है वो है सिकन। बेटा वो जो जेलिसी वाली बात की थी, एग्रेशन वाली बात की थी, ये सारे बहुत डेंजर इफेक्ट्स हैं, ये है सिकन, बीमार। आपको क्या होता है, आप दिखने में बीमार लग रहे हैं, आपको हर कोई बीमार लग रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, आपको हर वक्त ये लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील नहीं करते, आप लेथार्जिक फील करते हैं हर वक्त। क्या है, थोड़ा अटायर से कनेक्ट कर दूं, रंगों का इफेक्ट है, क्या पहना हुआ है तुमने, उसका तुम्हारे ऊपर क्या इंप्रेशन हो रहा है, दूसरे को क्या इंप्रेशन दे रहे हो, जो आप गेन कर रहे हैं वही आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसी ही बात हुई थी। तो ये आपका सेकंड बिहेवियर है, मोर डेंजर देन नेगेटिव एटीट्यूड। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एटीट्यूड, द सेकंड एटीट्यूड हैज द कैलिबर टू डिस्ट्रॉय एवरी इमेज दैट कम्स इन कनेक्शन विद अ पॉजिटिव इमेज। कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है जरूर इसका इसके पीछे कोई मतलब होगा जो ये मेरे पास आया है। कोई आपके लिए पॉजिटिव बात भी कर रहा है ना, तो आप कहेंगे नहीं ये कर ही नहीं सकता, इसके पीछे ना इसका कोई प्लान है। तो क्या है कि ये सारा एटीट्यूड, ये सारी नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से बढ़ के ये बीमारी है, ये बीमारी की हद तक नेगेटिविटी है। जेलसी, लेग पुलिंग, कोई अच्छा काम ना करे, ना करांगे ना करन दबांगे, राइट? ऐसा वाला एटीट्यूड है, ये उस लेवल का एटीट्यूड है जहां पर आपको साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। सो हमने इन चीजों से बचना है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड मेजरिंग एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड्स तो मैंने आपको बता दिए, चार तरह की स्टेजेस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सिकन है, बट हमें कैसे ऑब्जर्वेशन होगी कि जो सामने वाला है उसका एटीट्यूड कैसा है? ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां जाके देखते वेटर बहुत रिस्पेक्टली आपके सामने आता है, रिस्पेक्टफुली झुक कर बात करता है, यस सर आपके लिए क्या लाऊं, जी मैम क्या खाना पसंद करेंगी, मैम फूड कैसा था, ऐसा हम सब एक्सपीरियंस करते हैं जब हम बाहर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं लगता है मुसल्लत कर दिया गया उनके ऊपर उनका काम, वो वेटर बनना नहीं चाहते थे, वो सोसाइटी की कोई सर्विस देने पे तैयार नहीं थे, उनको अम्मा जी ने उठा के जबरदस्ती रखा है, कर दिया जिम्मेदारियां तू ही पूरी करनी ने, जाके काम कर, ठीक है। ये वाला एटीट्यूड भाई, आपको उसके एटीट्यूड से पता चल जाएगा, कैसे, बॉडी लैंग्वेज बता देगी, एक्सप्रेशन बता देंगे, वो एनॉइंग है, वो अपने काम से एनॉय है, अपनी पर्सनालिटी से एनॉय है, तो क्या उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जो पहले मैंने बताया, जो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात करे, उसका एटीट्यूड है, आप देखने में इंप्रेस हो जाएंगे, पहली चीज जो आपको अट्रैक्ट करेगी उसका अटायर होगा, नीट एंड क्लीन, जेल लगे हुए, साफ सुथरे बाल, टशन पशन, लड़कियां जाके फ्लैट हो जाएंगी उसको देख के, ओए होए होए क्या पर्सनालिटी है, इसको तो बॉस होना चाहिए, बट वो वहां पे एज ए वेटर सर्विस दे रहा है। सो क्या है, प्राउड ऑन देम कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी मोहब्बत से कर रहे हैं, अपने काम से मोहब्बत होना भी एक बड़ी पॉजिटिविटी है, और इसमें सोसाइटी का बड़ा हाथ है कि आप जो करना चाहते हैं आपको करने दिया जा रहा है, और जब आप कर रहे हैं आपको एप्रिसिएशन मिल रही है। तो क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप है। तो क्या है, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने किसी को ऑब्जर्व करना है ना उसके एटीट्यूड को, तो अब आपने देखना है कि आपने उससे कोई बात की है, अब वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा कि उस पर रिएक्ट करेगा। अगर तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो क्या चीज है, डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन क्या है,
मैंने आपसे कोई बात की है, अब आपने 2 मिनट के लिए सोचा है और अब आपने ठंडे दिमाग के साथ मुझे उसका प्रॉपर जवाब देना है। उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी शामिल होगा, उसमें लव का भी एलिमेंट शामिल होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कोई बात की है, ठीक है, और वो आपको अच्छी नहीं लगी, आपने सोचे समझे बगैर मेरे मुंह पे टा 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 कर दी, वो क्या है? रिएक्शन है। तो ये बिहेवियर है, ये एक फीलिंग है, आप रिएक्ट कर रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इससे आप मेजर कर सकते हैं कि अगले बंदे के अंदर जो बिहेवियर है, जो फीलिंग है, वो किस लेवल की पाई जाती है। ठीक है, ये साइकोलॉजी, मैंने जैसे उसको टच किया है, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जैसे एक छोटी सी पॉइंट पे आने से पहले मैंने सोचा कि हम इन चीजों को डिस्कस करें। तो ये बड़े मजे की बातें हैं, आप इस चीज को मेरा ख्याल है कि अच्छे से समझते हैं कि रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में कितना फर्क पाया जाता है, और आप सब कहीं ना कहीं इन चीजों को बेयर करते हैं। अच्छा, अफेक्ट कैसे होता है? कहते मॉम है ना, एक आम मॉम है, मॉम के ऊपर, मॉम समझते कैंडल, मैं आपको जस्ट एक वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जाम्पल दे रही हूं। आप अपनी उंगली, आप उसको आग ना लगाएं, आपने उसको आग नहीं लगानी, आग लगाएंगे तो पिघल ही जाएगी। सेम एटीट्यूड इंसान का है, आप उसको आग लगाएंगे वो तो फिर रिएक्ट करेगा ही, लेकिन एक आग कैंडल है ना, इंसानी जज्बात की बात हो रही है, इतने मुलायम है हमारे, आप ठोकर लगाते जाए उसको, किक करें, नॉक करें, उस पर डेंट पड़ जाएगा। ये तो हम इंसान है, हमें हर वक्त सोसाइटी और सराउंडिंग से अगर कोई नेगेटिविटी बोलता जाएगा, हर वक्त कोई मुझे ये कहेगा काली हो काली हो काली हो, एक टाइम आएगा ना मेरे जहन पे वो चीजें मुसलत हो जाएंगी। कोई कहना शुरू कर देगा, ओए तुम्हारा कद कितना छोटा है, आंटी अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा कद कितना छोटा है, कुछ खाया करो, है आंटी अस्सलाम वालेकुम, जवाब आएगा लटका करो बेटा, तुम्हारा कद बड़ा छोटा है। अच्छा, मैं ये बातें इसलिए बता रही हूं, हर बच्चा इस दौर में इन चीजों से गुजरता है। कोई बात हो, आपने आंटी साहिबा को सलाम किया, आंटी कहेंगी हाय किड्डी मोटी हो गई है, है? हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। आपको सलाम के जवाब पे वालेकुम सलाम बाद में मिलता है, पहले आपको आंटी के ताने मिलते हैं। तो इस तरह का जो सोसाइटी का माहौल है, आपके सराउंडिंग्स में देख लें, आपके ऑफिस में देख लें, अगर आपको हर वक्त आपके किसी वीक पॉइंट को पकड़ के बार 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 कुछ कहा जाएगा, तो आपके अंदर मोटिवेशन लेवल तो रहेगा ही नहीं। आप लाख टैलेंटेड होंगे, एक्टिव होंगे, बेहतरीन इंसान होंगे, लेकिन उस इंसान के नॉक 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 से आपके अंदर डेंट पड़ जाएगा। क्या होगा कि कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा, आपके अंदर काम करने की एबिलिटी बहुत वीक होती जाएगी। सो ये हमारी सराउंडिंग्स का माहौल है, आपने कैसे बचना है। अब मैंने बताया, आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूं, मैं हर बात को ना अपने सब्जेक्ट से लिंक करने की कोशिश करती हूँ। कल किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि कैंसर होता है ना, जिस्म के किसी हिस्से में भी हो जाए तो हम उसको फैलने तो नहीं देंगे ना, हम सोचेंगे उसको काट कर फेंक दिया जाए। सेम ये हिसाब है उस माहौल का, ऐसे माहौल से थोड़े दूर रहना शुरू कर दें, कट ऑफ कर दें ऐसे माहौल को अपनी जिंदगी से जिससे आपकी शख्सियत पे बुरा असर हो रहा है, डेंट पर है। आप उस चीज को छोड़ दें, कोई मजायका नहीं, कोई गलत बात नहीं, जहां पर बैठने से तकलीफ होती है वहां पे बैठना छोड़ दें, तो क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी खुद आएगी। ऐसे लोगों में बैठे जो पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, आपसे कारनामे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं सक्सेस स्टोरीज, फलां ने ये किया फलां ने किया, आप देखें ग्रुपिंग का कितना फर्क होता है, असर कितना होता है। आप एक जगह निश्चित करें, वहां पे लोग आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, 4 घंटे बैठे, 5वें घंटे आपके मुंह से बेरबत अंग्रेजी के अल्फाज निकलना शुरू होंगे, क्योंकि वो माहौल का असर होगा। आप बैठ जाए किसी ऐसे ग्रुप के साथ जो ठट्ठे मजाक लतीफे, 4 घंटे में घर पे जाएंगे वो मजाक अम्मा के साथ करेंगे तो जो आपकी हालत होगी ना, ये अम्मा ही बता सकती है। ऐसे ही है, तो माहौल का असर कितना ज्यादा होता है, हर लेवल पे होता है। आप ऐसे सराउंडिंग्स के माहौल को कैच करते हैं, नेचुरल है, आपके बस में कुछ भी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें आना शुरू हो जाती है और फिर आप उसको अमल में लेकर आते हैं, फिर एंड में जब नतीजा निकलता है अच्छा बुरा आपके हाथ में होता है, टोटली अप टू यू आपने किस चीज को एडॉप्ट किया है।
तो जनाब ये चीज है जो कि हमने इसके ऊपर बात करनी थी कि हमने एटीट्यूड की बिल्डिंग कैसे करनी है। अच्छा, हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड। अब हमने एटीट्यूड को किस तरीके से चेंज करना है, उसके अंदर हम ऑब्वियसली कह रहे थे कि पॉजिटिविटी तो सब लाना चाहते हैं। रियलाइज दैट एटीट्यूड कंट्रोल्स वंस एक्शन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। अब इसको मैं लिंक करूंगी अटायर से। आप उठकर मैसी होकर कहीं चले जाएं, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं। एक फकीर के अटायर में और एक प्रोफेशनल के नीट एंड क्लीन अटायर में क्या फर्क होता है, कि आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता? लोग हमें कैसे ट्रीट करते हैं? लोग हमें उस वक्त ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम दिख रहे होते हैं। आप लोगों को देखो, उनका आप भी तो लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, हम भी तो लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं ना जैसे उनकी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है। कोई आ जाता है मैसी सा बंदा, आप उससे सही से बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से कर लेंगे, लेकिन वो इज्जत जो आप देंगे वो नहीं दे सकेंगे, जो देना चाहिए वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अगला अपनी पर्सनालिटी से वो मैसेज ही नहीं दे रहा है कि वो इज्जत के लायक है। सॉरी बट ये रियलिटी है, ये एक नेचुरल फीलिंग है। अच्छा, हम इस चीज के ऊपर बड़े मजे की बात करते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने पॉजिटिविटी लाने के लिए अब आपने क्या करना है, एक तो नेगेटिव माहौल से दूर रहना है, उसके अलावा अल्लाह का शुक्र करना है आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं। पॉजिटिविटी कैसे आएगी? अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारे सर पे माँ बाप है, अल्लाह का शुक्र करो कि साथ देने वाले बहन भाई हैं, अल्लाह का शुक्र करो कि माँ बाप पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करो असातिज़ा आपके पास है, अल्लाह का शुक्र करो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस मिलती हैं, आपको सेशंस मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए आपको बताया जाता है। हमारे दौर पे ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं थी, आपके दौर पे हैं। आप अल्लाह मियाँ का किस किस बात का शुक्र नहीं करोगे? सो आपने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपको वो नजर आए कि आपके पास क्या है, वो नजर ना आए जो नहीं है। तो इन चीजों से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, इसी तरीके से आपने कॉन्फिडेंस लर्न करना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा आएगा। ये इन चीजों पे अमल करोगे तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ग्रूमिंग सेशंस को ज्वाइन किया करें, कहीं पे भी हो रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो आपके कपड़ों से रिलेटेड हो, आपकी इनर बिल्डिंग के लिए जिस चीज को सुनकर आपको सुकून आता है, लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए, आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, उसके वेज क्या हैं, मैं बेहतरीन इंसान कैसे बन सकती हूँ, उसकी क्या तरीके हैं। हर वो इंसान जो आपको कुछ सिखा रहा है ना, पंक्चुअलिटी की क्या अहमियत है, कैसे होनी चाहिए, सक्सेसफुल होना है उसके लिए क्या करना चाहिए, कुलीग्स के साथ किस तरह से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, और कामयाबी के लिए किस किस सीढ़ी पे चढ़ना जरूरी है, कैसे अमाल को फॉलो करना जरूरी है। ये छोटे छोटे सेशंस हैं, सोशल मीडिया पे बहुत मवाद पड़ा हुआ है। कोई एक ट्रेनर अपना पसंद का ले ले, देखे जो आपको अच्छा लगता है उसको सुना करें, आपके दिमाग के अंदर चेंजेस आएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। किताबें पढ़ा करें, किताबें पढ़ने से आपको बहुत सुकून आता है। क्या होता है कि कुछ अरसे के लिए एक तो आप ये बोलने से बच जाते हैं, दूसरा आपका दिमाग किसी पॉजिटिव काम पे लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिससे आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आने रूहानी तौर पे, इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अब इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, यहां पे आता है सारा रोल। जी बेटा, हम सबको बुक रीडिंग का शौक है। तुम सच्ची सच्ची एक बात बताना, सोशल मीडिया को फॉलो करती हो आप? ठीक है, कभी किसी ने कोई न्यूज डाली होती है, आप उसको देखती हो? आपको ऐसे लगता है कि आप नहीं देखती, वरना सारा दिन तुम मोबाइल पे ना लगी होती। हम लोगों का बस थोड़ा सा मयार चेंज हो गया है ना, किताबों से हटकर हम मोबाइल्स पे आ गए हैं। हर चीज, हर कंटेंट हमें वहां मिल रहा है, न्यूज वहां पे आ रही है। सारा दिन मोबाइल हमारे हाथ में क्यों होते हैं? क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। जब ये नहीं था, लोग अखबार पढ़ते थे, रूटीन से घरों में अखबार आते थे। अब लोगों ने फॉलो किए हैं डिफरेंट पेजेस, उसको ओपन करते हैं न्यूज आ जाती है। ऐसे ही है, सो बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन है। शायद ये वजह भी हो सकती है तुम्हारे कोर्स की किताबें इतनी हैं जो तुम लोगों को समझ ही नहीं आते कि यार इससे हटके भी कुछ पढ़ना है ना। तो वो कुछ चीजें ये भी है, इस चीज को डिनाई ना करो, क्योंकि जब आप अपने आप से इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते ना कि मुझे तो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देती।
जानदार होते हैं ना, दरख्त के पास बैठे कहें, बैठ कर कहें बिल्कुल खूबसूरत नहीं है ये पौधा, मनहूस है, आए हाय इसके फूल बड़े खराब हैं, तीसरे दिन वो पौधा मुरझा के सड़ जाएगा। बिलीव मी, कर कर देख ले, ना कीजिएगा वैसे प्लीज। आप उसके पास खड़े होकर कहें कि बहुत खूबसूरत है। मैं एक आम एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं सलाद के पत्ते बाजार से लाई, मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छी चीजें लगाऊं बजाय हर वक्त फूल फूल फूल। सलाद के पत्ते में दो तरह के लेकर आई, मैंने वो लगाए, फैला के मेरे माली ने मुझे लगा दिया। मैं रोज उसके पास खड़े होकर ना, सुबह सुबह मेरी आदत है कि मैं गार्डन में जरूर जाती हूँ, तो मैं देख के कह रही हूँ कि किस कदर खूबसूरत रंग है ना। आइए मैं माली से बातें कर रही हूँ, शफी भाई किस कदर खूब, अल्लाह की शान देखो कितने प्यारे पौधे हैं, हर एक का रंग डिफरेंट है दूसरे से। आप यकीन करें, आई विश कि मैं आप लोगों के साथ ना वो पिक्चर शेयर कर सकती। 4-5 दिन के अंदर जीशा वो सलाद के पत्ते इस कदर खूबसूरत हो गए कि उसके सामने जो फूल है वो मांद पड़ गए। अब मुझे शफी क्या कहता है, शफी मुझे कहता है कि बीबी जी है जरा तुम ये को खलो के दिया तारीफा कर दे, सुना इन्हें तो फुटना ही सी। उसने कहा कि ये जो पौधे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, आप उनके सामने खड़े होकर उनकी तारीफ करेंगे ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप खड़े होकर कहेंगे ना इसके फूल की खुशबू अच्छी नहीं है, ये तो मैंने कटवा देना है, आप बाद में कटवाएंगे वो पहले खुद मर जाएगा, इतने सेंसिटिव होते हैं। सो ऐसा कि आई हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। आप एप्रिसिएशन दें, देखें अगला बंदा कैसे काम करता है। अपने दोस्त को एप्रिशिएट करके देखो अपनी मोहब्बत के लिए, और देखो वो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी कैसे निभाएगा। सब हंस रहे, कोई कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारी बुराइयां अपने दोस्त के ऊपर नजर आ रही होती है, बाद में झप्पे भी उसी से डाल ली। ऐसे ही है, ठीक है। सब एक दूसरे का थैंक यू करो साथ होने के लिए, देखो मोटिवेशन लेवल कितना हाई हो जाएगा, है ना। आप क्या कहते हैं, ये क्या नाम है इसका, ब्लू स्कार्फ, ब्लू स्कार्फ। बेटा एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रही हूं, ये हाँ है तुम्हारी फ्रेंड्स यहां बैठी हुई, कितनी है? अच्छा, वो सोच रही है कि मैं मोहब्बत का इजहार करूं या ना करूं, मैं थैंक यू करूं कि ना करूं। सही है, वैसे करना चाहिए, पता है? करो करो भाई, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करो और सबके। जबरदस्त है, हार्ट शेप भी बना के दे दी है, जबरदस्त। अच्छा चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया, मोहब्बत का इजहार हो गया है भाई। अच्छा, स्ट्रेंथन करना है आपने अपने एटीट्यूड को अटायर से, वो कैसे करना है। इससे पहले हम दो दफा अटायर के ऊपर प्रेजेंटेशंस ले चुके हैं, सही है, सेशंस ले चुके हैं। किसको नहीं पता है कि अटायर से आपने एटीट्यूड कैसे बिल्ड करना है। जिस तरह उस दिन मैंने बात की थी कि जिस दिन आपने लिबास अच्छा पहना होता है उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और होता है, क्योंकि आपको अपना आप अच्छा लग रहा होता है। सो आपने क्या करना है कि अपने लिए तैयार होना है, थैंक यू अपनी शख्सियत का भी करना है। मैं अपनी फेवरेट हूं, वो डायलॉग याद है ना, करीना कपूर का था ना आई गेस, तो ऐसे तैयार हो के कहो मैं अपनी फेवरेट हूं, आज मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही हूं। और ऐसे लोगों में ज्यादा बैठो जो आपकी तारीफ करते हैं, जो आपको एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, यहां पे आप देखना कि आपका जो अटायर है वो आपके अंदर कैसे चेंजेस लेकर आता है। आप सब कपड़े पहनते हैं ऐसे ही है ना, मैंने तो नहीं आके कपड़े पहनने सिखाए, ऑब्वियस ही बात है। कपड़े पहनने के बाद आपकी शख्सियत पे क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपने मुझे बताना है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, जिस दिन आप अच्छे लग रहे होते हैं आपको अपने अंदर क्या चेंजेस नजर आती हैं? ज्यादा मुस्कुराते हैं, सुपर एनर्जी होती है, क्या होता है? हाँ शत के ये पता क्यों कहती है, जिस दिन हमने अच्छे रंग का लिबास पहना होता है वो तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा होता है, क्या होता है? जिस दिन हमने कोई ऐसा कलर पहना होता है ना जो हमारे ऊपर सूट कर रहा होता है, क्या होता है? यहाँ पे शाइन आती है, ग्लोई हो जाती है स्किन, ऐसे ही है ना, और हमें लगता है ओ हम तो आज चमक रहे हैं, है ना। सो ये चीज, और क्या चेंज आता है?
जो रोज ग्लो करते हैं, इसका मतलब है उनकी सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग बहुत अच्छी है, है ना? जबरदस्त। हाँ जी, आपको क्या चेंज नजर आता, फीलिंग क्या होती है जब आप जिस दिन अपने आपको बड़ा अच्छा लग रहे होते हो? कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना, उसके अलावा कुछ कुछ डिफरेंट बताओ। पिक्चर्स ज्यादा लेते हैं, एनर्जी लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अच्छा, आपने देखा उस दिन आप सबसे ज्यादा आगे आगे हो रहे होते हैं ना, ऑल इन ऑल होते हैं आप खुद ही से ऑल इन ऑल हो रहे होते हैं, क्योंकि उस दिन आप कंफर्टेबल होते हैं। आपको ये नहीं होता कि आज मेरे कपड़े टाइट हैं या फिटिंग ठीक नहीं है तो मैं कोने में बैठ जाऊं, मैं छुप कर बैठ जाऊं। उस दिन आप हर चीज में आगे आगे हो रहे होते हैं। सो ये क्या है, अटायर कैन चेंज एंटायर थिंग्स। अब क्या क्या देखो, माइंडसेट चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर वो क्या होता है, वो दोनों चीजें मिलकर आपके एक्शन को प्रॉपर करती हैं। जब आप एक्शन में आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जो मैंने भी बात की ना, उसे बड़ा इतरा इतरा के सबसे ज्यादा ऑल इन ऑल हो रहे होते हैं कि आज मैं कंफर्टेबल हूं क्योंकि मैं अच्छी लग रही हूं। एंड में आते हैं रिजल्ट्स कि लोग आपको रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं, लोग आपको मोहब्बत ज्यादा देते हैं, और आपका जो एनर्जी लेवल है उससे दूसरों को बहुत एनर्जी मिलती है। आप लोगों को ये पता है कि जो आपकी एनर्जी लेवल है वो दूसरों को कितनी एनर्जी दे रही होती है? जिस दिन आप खुश हैं आपके में एनर्जी है, लेकिन आपकी दोस्त डाउन है, क्या करें, चल ना यार उठ कैफे चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। ये मिसाइल होते रहते हैं, ऐसे ही होता है ना, उसको किक करते हैं, समझाते हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और जिस दिन दोनों ही अल्लाह के हवाले हुए हो ना जज्बात में, फिर तो आपको तीसरे बंदे की जरूरत होती है जो आए और आके कहे कि यार क्या हो गया, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मसले तो बड़े बड़े होते हैं, मुझे पता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के मसाइल अपने होते हैं और उस टाइम पे वही बहुत बड़े मसले होते हैं। ओए होए, फोटो स्टेट करानी थी, कॉपी नहीं हुई हुई, अम्मा को कॉल जा रही है, अब्बा को कॉल जा रही है, तूफान आ गया, हमारे मसाइल और होते हैं। उससे आगे लाइफ में आते तो फिर और मसाइल हो जाते हैं, बिल जाने वाला है, सैलरी नहीं आई, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। तो हर स्टेट में आपका जो माइंड है वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है, डिफरेंट तरीके के मसाइल होते हैं, डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन आप एक चीज जो सीखते हैं ना, वो अपने आप से सीखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से सीखते हैं, खुद की पर्सनालिटी पे काम करके सीखते हैं, और फिर वो इलम आप शेयर करते हैं। तो क्या है जनाब, यहाँ पे आप इतने सारे प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी देखें। अच्छा, एक स्लाइड बीच में मिसिंग है, वो जो मैंने एक मेसी पर्सन दिखाया था और एक थोड़ा नीट एंड क्लीन, एक ही बंदे की दो लुक्स थे, वो मुझे लग रहा है इसमें मिसिंग है। बट एनीवेज, आप देखें कि ये प्रोफेशनल लोगों का अटायर चेक करें, एनर्जी लेवल चेक करें, स्माइल चेक करें, देख रहे, गौर से देखें, ओ माय गॉड, ये चेक करें। बेनजीर भुट्टो का अटायर देखा है, क्लासी वुमेन। अब आप ये देखें कि हर बंदी अपने प्रोफेशन में थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीजें ना मुझे बहुत अच्छी लगी है डिफरेंट प्रोफेशनल्स की, जैसे कि हिना रबानी, मोर देन अ स्टाइलिश पॉलिटिशियन। हिना रबानी घर के कपड़े आपने देखे, जब वो एड्रेस करने के लिए आती है उसके ड्रेसेस प्लेन क्लासी, पर्ल्स के इयररिंग्स, पर्ल्स का नेकलेस, ओए होए होए, क्या एलिगेंट पर्सनालिटी होती है। हेयर स्टाइल भी उसका एक ही सिग्नेचर लुक है, हमेशा उससे वही सिग्नेचर लुक को कैरी किया होता है। अच्छा, द वे शी कैरी दुपट्टा, जैसा वो सर पे दुपट्टा लेती है, किस कदर खूबसूरत लगता है। देखो, पर्दे का पर्दा है, स्टाइल का स्टाइल है, बेहतरीन। नेक्स्ट में आ जाए, होय होय होय, ब्यूटिशियन, मोर देन अ स्टाइलिश ब्यूटिशियन, मुसर्रत मिसबा साहिबा। इनका भी स्टाइल एक अपना ही है, इतने ब्यूटिशियंस हैं, हर किसी को ये लगता है कि शायद मैं ऊट पटांग फैशन करके ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लगूंगा। लेकिन ये मौलम है, मैं आपको बताऊं, ये इलम सिखाने वाली है, ये सोसाइटी के लिए भी बहुत काम कर रही है। इनकी पर्सनालिटी पे वो सब कुछ आ गया जो उनके अंदर है। आपको पता है ना, बर्न विक्टिम्स के ऊपर काम करने वाली पहली खातून है, ठीक है। नेक्स्ट भी आ जाते हैं, कैसा है, कमाल है, ड्रेसिंग चेक किए, इस क्लैपिंग होनी चाहिए तीनों के ऊपर। अच्छा, इससे भी ज्यादा इज्जत के लायक और मोहतरम अब हमारे बीच में नहीं है,
बट मैं बचपन से बहुत इम्प्रेस थी इनसे, क्योंकि मेरे बचपन में शायद ये एक पहली खातून थी, एक थी कॉकअप ख्वाजा, उनकी भी अच्छी पर्सनैलिटी थी, वो खूबसूरत बहुत है, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन और बड़ा फेस कट खूबसूरत, हेयर कट अच्छा, लेकिन एक ये इनका एक स्टाइल है ना, जो चूड़ियां पहनने का और जो चेन जरकोन का नेकलेस होता है, हर साड़ी के साथ चूड़ियां होती है इतनी इतनी ज्यादा, सुबेदा आपा का अपना एक अलग से लुक है। अब देखो ये जितनी लुक्स मैंने दिखाई कितनी डिफरेंट है, लेकिन इन सब में सिमिलर क्या है ये देखना। ग्रेस। बेटा ग्रेस कैसे आई है, सवाल ये है। स्माइल कैसे आई है, सवाल ये है। राइट और भाई ये तो सब करते हैं ना, मैं जिस चीज में जाना चाह रही हूं मैंने वो सुनना है। सिमिलर क्या है इन सब में, इनकी ड्रेसिंग सेंस, की फायदा होया मैनू तीसरा सेशन देने का है। सेशन ये देखो, तीसरे सेशन में तुम लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इसमें सिमिलर क्या ढूंढ रही हूं। आपका कसूर नहीं है, प्रोजेक्टर का कसूर है, सॉरी, इसमें वो चीजें उस तरह क्लियर नहीं है जिस तरह मेरे लैपटॉप में क्लियर है। इन सारी पिक्चर्स में जो चीज सिमिलर है वो उनका अटायर है। अब आप सर इसको ना थोड़ा सा नीटी ग्रीटी में जाते हैं। एक तो सबने जो लिबास पहना वहना वो सॉलिड कलर्स है, दूसरा ज्वेलरी देखो, पर्ल्स हैं, स्टड्स हैं, जरकोन है, लाइटर ज्वेलरी देखा। और एक और चीज जो सिमिलर है बच्चों, क्या है, मेकअप। इनके लिपस्टिक कलर्स देखो, नेचुरल न्यूट्रल कलर्स हैं, कोई शाइनी ग्लॉसी नहीं है, सब प्रोफेशनल्स हैं। और देखो सब मल्टीटास्कर हैं, जिस भी काम में जाती हैं नाम मनवा के बाहर आती हैं। अब अगर हम हर एक को टच करें थोड़ा सा, जुबैदा आपा को छोड़ के, हदीका कियानी ने बड़ा अच्छा काम किया है, 100 घर उसने मेरा ख्याल है जो अभी बिल्ड किया, उसका इनिशिएटिव था। और मुसरत आपा वर्किंग फॉर बर्न विक्टिम्स, ठीक है, ये जो आपकी पॉलिटिशियन है हिना रबानी, ये पॉलिटिशियन होने के साथ साथ साइड पे बड़ी एक्टिविटीज करती है, इसका अपना ब्रांड भी है, और ये सब लोग मल्टीटास्क करें। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई एक टास्क करना है और उसके लिए आपने एक लुक क्रिएट करनी है कि आज मैं स्टाइलिश बनकर चली जाऊं, कल मैं मॉडर्न बनकर चली जाऊं, फिर मैं सिंपल क्लासिक बनकर चली जाऊं, नहीं। सबने सिंपल एंड क्लासिक लुक रखी है, वो अपनी जिस भी फील्ड में जाके काम करेंगी उन्होंने वही अपनी लुक कैरी करनी है, ऐसे ही है। सो मुझे लगता है कि हमारे जो ये सारी वर्किंग लेडीज हैं इन सब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है बहुत प्रिसाइजली मैंने अपना जो बयान करने की कोशिश की है वो कर दिया है, कि आपने किस तरीके से अपने अटायर से अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आना है। और वो आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप प्लेन कपड़े, लाइटर ज्वेलरी और अपने मेकअप के अंदर न्यूट्रल कलर्स को कैरी करना शुरू कर दें। आपने कोशिश करनी है कि आप मेकअप से इज्तनाब करें, बेस से इज्तनाब करें, कोशिश करें। आज का दौर ये पता है इतना ज्यादा क्यों हो गया है बूटॉक्स का, सर्जरीज का, क्योंकि लोग मेकअप से ज्यादा नेचुरल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। तभी आप देखें कि उनकी कोशिश है कि हम मेकअप अच्छा अप्लाई करने से बेहतर है कि अपनी नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करें। तभी जो ये सर्जरीज का एक ट्रेंड आया ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो आपकी तो अभी बहुत यंग एज है, आप अपनी डे स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, इसके ऊपर फोकस करें, अपने बालों की हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अपनी खुराक के ऊपर फोकस करें, इससे आपकी पर्सनालिटी एक बेहतरीन पर्सनालिटी बन जाएगी। और सेकंड आपने करना है कि जो आपने अटायर कैरी करना है उसके कलर्स आपके गर्लिश कलर्स होने चाहिए, बट वो उतने भड़कीले नहीं होने चाहिए जिसको देखकर अगला बंदा कहे कि यार ये क्या है, ठीक है। बहुत सटल पेस्टल कलर, समर आ गया है, परफ्यूम्स का इस्तेमाल जरूर करें। वो हॉल फिर सिर्फ आपका खराब नहीं होता, इर्द गिर्द के लोग फिर आपसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेते हैं, ठीक हो गया।
सो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो अपने अख्तिताम को पहुंचती है. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके हर पिन पॉइंट को जो है वो महसूस किया होगा. और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के सेशन में मुझे कोई बच्चा यहाँ पे प्रिंट्स में नजर ना आए, क्योंकि अगर मेरे इतने सेशन देने के बाद मैं आप लोगों को प्रिंट से नहीं ना हटा सकी तो मुझे लगेगा मैंने कुछ नहीं सिखाया, आपने कुछ नहीं सीखा और मेरे इतने सेशन और इतनी मेहनत रायगा गई है. ठीक हो गया. तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आपने सेशन अटेंड किया है. नेक्स्ट टाइम से भी कोशिश करें कि इसी तरह अटेंड करते रहें. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जरा कोई नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए, मे बी शूज मे बी मेकअप. ठीक है.